Love. अभी मेरा मूड नहीं। शांतनु की बातों का असर अक्षय को खुशबू के पास पहुंचा देता है, पर अक्षय को कमरे में प्रवेश करते देख खुशबू गलतफहमी का शिकार हो जाती है। मेरा पेट, अब मैं उस सोफे पे नहीं सोऊंगा। और आखिर सुनील और माधवी के बीच खो चुके प्यार को वापस लौटाने की कोशिशों में लगी खनक अपने दिल की बात शांतनु से बांटे बिना नहीं रह पाती। आधा और भाई की शादी को 30 साल हो गए। 30 साल एक बहुत लंबा समय होता है। इन 30 सालों में भले उनका प्यार कम ना हुआ, पर उन दोनों में जो आपसी खिंचाव है, आकर्षण है, वो कहीं ना कहीं खो गया है। और तुम्हें कैसे पता खनक कि तुम्हारी शादी को तो 23 महीने तक नहीं हुआ? शांतनु, ऐसे ही होता है। खनक, तुम्हारे कहने का मतलब है कि अब इस वक्त जिस तरह तुम मेरे लिए फील करती हो, तुम 30 साल बाद ऐसा फील नहीं करो? हमारी नहीं, पाई और राधा की हो रही है। उनमें और हम में बहुत फर्क है। क्या फर्क है खनक? कहो ना खनक, हम दोनों सबसे अलग क्यों हैं? पर मैं शांतनु और खनक, शांतनु और खनक, हमारी जोड़ी भगवान ने, मेरा मतलब है हम सबकी जोड़ियां भगवान ने बनाई है। चलो अच्छा है, तुमने ये तो माना। जोड़ी ना शांतनु, अब भाई और राधा के बारे में सोचिए ना। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। बस उन्हें हमें उन्हें उनके भूतकाल में ले जाना होगा। भूत? कहाँ खनक, भूत? शांतनु, भूतकाल, भूतकाल, पास्ट टेंस। हाँ वही। ऐसा बोलो। खनक, मॉम और डैड कमरे में एक साथ ही रह सकते, तो उन्हें भूतकाल में लेके जा रही हो। शांतनु, आप जरा सोचेंगे तो अच्छा होगा। एक औरत चाहे 16 साल की हो या 60 साल की, उन्हें मनाने का तरीका एक ही होता है। जैसे आप सोचिए, अगर आधा अगर बाई का हाथ पकड़कर उनके साथ वो शहर वाला डांस करे तो बाई पक्का पिघल जाएगी। शहर वाला डांस? हाँ, वही जिसमें एक लड़का और लड़की एक दूसरे की बिल्कुल
पास होते हैं, इतने पास कि एक दूसरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि आसपास कोई और है ही नहीं। बस वो और उनका प्यार। उस एक लम्हे में वो खो जाते हैं। जब वो दोनों आंखें बंद करके ऐसे नाचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो दो नहीं एक है। ऐसे लगता है जैसे वक्त थम गया हो, सांसें रुक गई हो और दिल तो इतनी जोर से धड़क। जान दूरियां मैं जानू ना जाने तू कैसे मिटे हाय राम दूरियां मैं जानू ना जाने तू कैसे सब कुछ करके तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो मॉम और डैड को भी कुछ नहीं हुआ। तुम कुछ और सोचो है ना। अक्षय का यूं चोरी छुपे उसके कमरे में आना खुशबू की नाराजगी और बढ़ा देता है और वो उस पर भड़क उठती है। और तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं तो बस तुम्हें मनाने आया था। इस तरह आधी रात को मेरे कमरे में घुसकर तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे दो चार प्यार की बातें कर लोगे, I love you, I'm sorry कह दोगे और मैं मान जाऊंगी। हाँ। obviously, तुम तो बाकी लड़कियों से बहुत डिफरेंट हो ना। डिफरेंट भी हूँ और डेंजरस भी, इसीलिए चुपचाप जाके सोफे पर सो जाओ। तुम्हें बस ऐसे वाजेज और भी बस वो वही चल रहा है। Anxious for your kind information. मैंने kickboxing classes भी लेने शुरू कर दी। So, मुझे मेरे ही रूम से निकाल दिया। शान ठीक ही कह रहा था। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और फिर खनक और शांतनु सुनील और माधवी की शादी की सालगिरह मनाने के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। आदा और भाई की सालगिरह बस दो दिन में आ रही है। बहुत सारे काम पड़े, पार्टी का सारा काम तो मैं कर लूंगी, पर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही। जैसे कि जैसे देखिए पार्टी में पर्दे, गुब्बारे और वो टेबल कवर कौन से रंग के होने चाहिए। You mean a theme? हाँ। Good idea. Theme. Blue. नीला। Yeah. नहीं 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 गुलाबी। नहीं खनक, नीला, ब्लू। नहीं 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 गुलाबी। ब्लू। हाँ। पनीर मखनी या बैंगन का भरता? सुशी, सुशी।
क्या? सुशी खनक। खाओगी ना खनक तब समझ जाओगी। सुशी। सुशी? जिसके नाम में छी है वो कोई कैसे खा सकता है? खनक छी नहीं, सुश। Forget it. अगला सवाल। आम बनाया शरबत। खनक तुम पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो या प्रवचन? ड्रिंक्स मैं ऑर्गेनाइज कर लूं। एक मिनट, पार्टी में मदिरा नहीं होगी। खनक अगर मदिरा नहीं होगी ना तो पार्टी नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं खनक, पार्टी में मदिरा होगी। यस। नहीं होगी। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी यार छोटे? मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। सुनो, मेरे बड़े भैया आए, मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ बाहर, तुम यहीं रहना, ओके? वेरी गुड। अरे भैया आदि हो गया इस बार तो यार, अभी आप तो सिर्फ ताने मारती थी, गालियां देती थी, तो मानने लगी भैया दिस इज टू मच। तू हंसना बंद करेगा? मेरी हेल्प कर दे। मदद? भैया कब से समझा रहा हूं, मेरी मदद ले लो लेकिन नहीं, समझ में नहीं आ रहा ना आपको, इसलिए आओ दिखाता हूं आपको, दिखोगे? चलो। और फिर शांतनु खनक के पास पहुंच जाता है और वो अक्षय को दिखाने के लिए खनक पर झूठी हेकड़ी दिखाना शुरू कर देता है। खनक, खनक, हाँ तो खनक मैंने डिसाइड किया पार्टी की थीम पिंक होगी। सच? या देखो खनक, मैं सोच रहा था कि खाने में पनीर मखनी, चिकन वगैरह बिल्कुल नहीं, वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन। लिखो खनक, मैं सोच रहा था कि पार्टी में ना मदिरा नहीं रखते, यू नो ड्रिंक्स, आम पन्ना रखते, शरबत। सच? लिखो। सचमुच ऐसे ही होगा? सचमुच। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। अब मैं जाकर तैयारियां शुरू कर देती हूँ। मौका मिलते ही ऑफिस के कामों से बचने के लिए शांतनु अक्षय के सामने अपनी एक शर्त रखता है। बट भैया एक कंडीशन है, मैं आपको भाभी के साथ हेल्प करता हूँ, लेकिन भैया ऑफिस और ऑफिस के सारे काम आप कर लो ना प्लीज। शांत भैया नहीं चाहिए, ठीक चल, चाहिए चाहिए चाहिए, तू जैसा कहता है वैसा ही होगा। बिल्कुल वैसा होगा। तू खुशबू का काम संभालना और मैं ऑफिस का। सोचो भैया, मैं खुशबू भाभी और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा और आप मेरी ऑफिस की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। सोचो भैया, सोचो, सोचो। We have a deal. Deal it is. और फिर मौका मिलते ही शांतनु ऑफिस के कामों से छुटकारा पाने के लिए खनक और अक्षय को विश्वास में लेना शुरू कर देता है। वो क्या ना, घर में रहेंगे तो अच्छा लगेगा, और अगर ऑफिस जाएंगे तो मेरा दिल नहीं लगेगा, बस आज के दिन। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो, आज शान ऑफिस नहीं जाएगा, ठीक है? वैसे भी शान को तो काम करना होता नहीं, और आज तो उसकी पत्नी भी यही चाहती है कि वो काम पर न जाए, तो ठीक है। भाई वाह, इसे कहते हैं सच्चा प्यार।
कट कट आप आज कहीं मत जाइएगा। जैसा तुम कहो, मेरी रसमलाई। God, रसमलाई। Oh my God, how tacky! God. मम्मी जी, आपके लिए रसमलाई लाई हूँ। मैं शॉपिंग जा रही हूँ। खुशबू, तुम चल रही हो मेरे साथ? Of course, mom. What a question. Let's go. Excuse me. Bye, mom. Bye. Bye, mom. और फिर शांतनु की शरारत खुशबू को परेशान करने के लिए एक तरीका अपनाती है। भैया, कामिनी की पार्टी में गए हैं। कामिनी? वो उनकी पुरानी दोस्त है भैया की। और फैक्ट्री? फैक्ट्री तो एक बहाना ना करना, भाभी को बता नहीं सकते, इसीलिए बहाना बना के गए। ओवरनाइट पार्टी है, बहुत मजा आएगा। नहीं 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 नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। भाई ऐसे नहीं है, वो भाभी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वाह शान, क्या प्लान बनाया तूने। अक्षय भैया, आपकी लाइफ तो मैंने सेट कर दी, अब पता करता हूँ कि भाभी क्या करने वाली है। हाँ छोटे बोल। भैया भैया काम हो गया, अब कुछ ही देर में भाभी आपको फोन करेंगे, पर भैया आप उनका फोन नहीं उठाएंगे। ओके? पर क्यों भैया? सवाल मत पूछे, बस मेरी बात सुनिए। जैसा मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल वैसा कीजिए, और फिर देखिए भैया भाभी आपके लिए क्या क्या करती। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, ये कामिनी कौन है? हम याद कीजिए, कहीं अक्षय के स्कूल में तो नहीं थी या फिर कॉलेज? पता नहीं उसकी फ्रेंड थी या गर्लफ्रेंड, बॉम्बे में रहती है। मॉम कैसी दिखती थी? सुंदर तो नहीं है? I just hope अक्षय और उसके बीच में कोई रिश्ता ना हो। खुशबू, कितने सारे सवाल। देखो बेटा, हम ये सारी बातें गाड़ी में बैठ के भी कर सकते हैं। हमारे पास शॉपिंग के लिए सिर्फ 5 घंटे बाकी है। Only 5 hours, do you understand? चलो जल्दी करो, नहीं तो लेट हो जाएंगे। Come on, come on, let's go. Mom, पर कामिनी। भैया, get ready. अब होंगी आतिशबाजी। इधर खनक को पटाखे जलाते देख शांतनु उसके पास पहुंच जाता है और आखिर उनकी नोकझोंक को मौका मिल ही जाता है। आता क्या आपको? बहुत कुछ आता। ओके, दिखाऊं? ठीक है, ये देखो आप। संभल के। बहुत कह रही थी ना तुम ये। शांतनु, शांतनु कहां था ना? संभल के, आप यही रहिए, मैं अभी आती हूँ। शांतनु लाइए। आप भी ना शांतनु, कुछ करने से पहले बिल्कुल सोचते नहीं है। बहुत दुख रहा है क्या? हाँ कनक, बहुत दुख रहा है, पर मुझसे ज्यादा दुख तो तुम्हें हो रहा है कनक। क्यों कनक, जो बात मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ वो तुम जुबान पे क्यों नहीं ला सकती? शांतनु, जिसे आंखों ने पढ़ लिया वो बात कहना जरूरी है क्या? जिस बात को आप महसूस कर सकते हैं, मेरा दिल महसूस करता है, उसे जुबान पर लाना इतना जरूरी है? तो क्या शांतनु की जिद खनक के बंद शब्दों की भाषा समझ पाएगी?
जानने के लिए देखते रहिए रंग बदलती ओढ़नी।